الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین आज के नशस्त में हम सूरह अलकसस की आयत 76 से लेकर इसकी आयत 82 तक का मुतला करेंगे ये आखिरी से पहला रुकू है सूरह अलकसस का और इसमें दरअसल एक बहुत ही अहम करैक्टर हमारे सामने लाया जा रहा है और ये है कारून का करैक्टर तो कारून का करैक्टर ज़रा समझने की ज़रूरत है कारून जो था ये दरअसल मूसा इस्लामी की कौमी बनी इसराइल से था आ, लेकिन ये है कि ये एक सरमादार था दौलतमंद था और इसी दौलत की वजह से इसने मूसा इस्लाम पर मान लाने से इनकार कर दिया और उनके महालफत की और अपनी दौलत को बढ़ाने के चक्कर में ये मूसलम के ख़िलाफ़ इसने बगावत कर दी और आ, उसी दौलत को जमा करने में लगा रहा तो उस किरदार को ये जो सरमादार का किरदार है दौलतमंद का किरदार है हमारे माशरे में उसको नुमाया किया गया है आज के कानून को हमने तलाश करना है इस इनायात को पढ़ते हुए तो ये असल में कानून और हमान और जो है फ्राउन ये तीन एक ट्राइका है मुसलस है जिसमें कानून सरमादार है और जो फ्राउन है वो पॉलिटिकल लीडर है और जो हमान है वो असल में मिलिट्री उसका जो विंग है वो एक, एक लिहाज से उसकी ये एक एक, एक मुसलस है तो ज़रा देखते हैं इसमें इन आयत को जरा अल्लाह तैयार के अर्शादे अदबिल्हमी बसमान बेशकून मूसा सलाम की कौम बनी इसराइल में से था लेकिन वो उसने उनके खिलाफ बगावत कर दी वातनाकन मफ़ातन बिलस्मत उसके खजाने इतने थे कि जमाद थी थी। उसकी कुंजियाँ एक ताकतवर जमात उठाती थी सिर्फ़ उसकी चाबियाँ जो उठाने के लिए एक ताकतवर जमात थी इदकलबल फ़रहन ला जब उसकी कौम यानी बनी इसराइल ने उसको कहा कि गरूरो तकबर न करो अल्लाह तरू तकबर करने वालों को और शुखियाँ मारने वालों को पसंद नहीं करता वब तरीफ़ी मतलार कवलात لا يحب المفسدين तो उसकी कौम ने से कहा कि जो अल्लाह ने तुम्हें माल दौलत दिया है उससे आख़रत का घर कमाओ और दुनिया में भी अपना हिस्सा जो है वो लो उसमें से ये नहीं अपने ऊपर भी खर्च करो लेकिन इस माल से गरीबों बेवाओं, यतिमू पर ख़र्च करो उनको, उनको उनका हक अता करो और लोगों के साथ एहसान करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ एहसान किया है और ज़मीन में फसाद ना करो तो ये है फसाद के लोगों पर म करके उनसे Uh, जो है ना वो ज़बरदस्ती काम लेकर जो है ना वो उनके हकूक़ छीने जाएँ और उनको इतना सिर्फ खाने की हद तक खाना दिया जाए और मज़दूरी उनसे पूरी ली जाए तो ये फसाद फिलर्द है जो माशी एक्सप्लेशन या जो माशी इस्तेसाल है तो ये है, है हमारा सरमायदार और कैपिटल सिस्टम पूरे के पूरा इसमें यही आज दुनिया में निज़ाम चल रहा है तो कारून इसी का नुमाइंदा था एक तरह का वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था जो पॉलिटिकल लीड थी जैसे आजकल वो कर्ज़े लेते हैं और फैक्ट्रियाँ लगाते हैं और गरीबों पर मजदूरी उस पर अहम करते हैं हमारे जागीरदार सरमा तो वो आ, जो है ना वो यही किरदार है कानून का जो यहाँ बयान किया गया है तो दौलत का वो पुजारी था और आ, आ, वो अपना उसने जो है ना वो सारे का सारा माला दौलत लेकर निकला ओती तो अला दी उसने कहा कि ये माल तो मुझे मेरे इलम की वजह से मिला है मेरे स्किल्स और मेरी ज़हानत की वजह से मिला है मैं जो मेहनत करता हूँ ख़ून पसीना एक करता हूँ इसकी वजह से मिला है अल्लाह ने तो नहीं दिया अवालम यहमल्ला मनकुर मन हुआ शक्सर जमा क्या उसको इस बात का इलम नहीं है कि अल्लाह तला ने इससे पहले कितने बड़े बड़े सिविलइजेशन और कल्चर और बड़े बड़े लोगों को हिला कर दिया जो उससे ज़्यादा ताकत तो में ज़्यादा थे और उनकी तादाद और उनकी फ़ौज और उनके प्रोटोकॉल इससे भी बढ़कर था वायल्लामरमून और जब अल्लाह किसी मुजरमों को हलाक करने पर आता है तो उनसे उनके गनों के बारे में सवाल नहीं करता लिस्ट नहीं बनाता बल्कि वो उनको पकड़ लेता है फ़ौर उनको हलाक कर देता है फ़ाराजा अला कौमी ही फी जीनती है वह अपनी कौम में पूरी अपनी जेब वीनत के साथ उसने अपने जो शो आफ किया अपना जो दौलत और ख़जाने एक जुलूस उसने निकाला पूरा प्रोटोकॉल के साथ जैसे हमारे यहाँ शादियों में हेलीकॉप्टरों पर बारातें आ रही हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बुक हो रही हैं तो वो ये जो शैतान के भाई हैं जिनको अल्लाह तारा ने सुरा उसमें कहा है बन इसराइल में कि इन मुबरीन कानू अख़वान शैतिन तो ये शैतान के भाई शो ऑफ़ करते हैं अपनी दौलत की नुमाइश करते हैं और गरीबों के दिल में हसद पैदा होता है और फिर वो गुस्से में आकर फिर जो है ना वो उनके खिलाफ लड़ते लड़ते हैं और माशरे में फसाद पैदा होता है तो वो अपने वो पूरा जुलूस अपने शान शक्त का लेकर निकला यात दुनिया जो लोग दुनिया के प्रस्तार थे दुनिया के पुजारी थे उन्होंने कहा या, या कदोम तो जो दुनिया परस्त तबका था वह कहा कि काश जो कुछ कानून को दिया गया है वही हमें भी दिया जाता तो ये होता है हर दौर में कि जो दौलत की चमक दमक है और जो जो पोलिटिकल एलिट है जो सियासी जो है न बड़े बड़े लीडर हैं उनके प्रोटोकॉल उनकी, उनकी गाड़ियाँ और उनकी जो है ना वो उसको देख कर तो लोग कहते हैं कि काश हम भी वज़ीर बने हमारे बच्चे भी जो है ना वो मिनिस्टर लगें और हमें भी ये दौलत हासिल हो हमारे भी इतनी फैक्ट्रियाँ हों इतने हमारे तो वो फिर हलाल और आराम के प्रवाह किए बग़ैर ये तरीका अख्तियार शुरू कर देते हैं और माशरे में करप्शन और फसाद फैल जाता है वक़ाल लज़ीनऊलकूम सवाबल खैर आमन और जिनको इलम दिया गया था जो बनी इसराइल के थे। इलम वाले उन्होंने कहा कि वहीकुम तुम्हारे लिए हलाकत हो अल्लाह का सवाब और अजला बदला बेहतर है हलाल रिस्क ज़्यादा अच्छा है लेमन आमन वामिल साह जो सही ईमान लाया और उसने नेक नकमाल किए किसी का उसने हक़ नहीं खाया और सूद से और हराम पैसे से और रिश्वत से दौलत तकती नहीं की वक् लेकिन हर तरफ़ लोग रिश्वतें खा रहे हों तो फिर सब्र करना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन ये जो अल्लाह का सवाब और अजर है और अल्लाह की रहमत ये सब्र करने वालों को ही मिलती है आ, कि वो बेचारे सिर्फ अपनी तनहा पर गुजारा करते हैं रिश्वत नहीं लेते करप्शन नहीं करते फ़सफ ना भी व भी तो हमने उसको यानी कारून को आ, उसके पूरी माल दौलत के समेत ही ज़मीन के अंदर दसा दिया फमाक़ा लहुम फ़ीति सुरू नोन तो अल्लाह से के अलावा कोई उसको कोई ग्रो और लश्कर उसको मदद करने के लिए नहीं आया बचाने के लिए कोई आर्मी उसकी नहीं आई हमान की और किसी और की वमाका निन तसरीन और ना ही उसको कोई मोलत दी गई कोई टाइम दिया गया कि वो आ, कोई सदका ख़रात करके अपने आप को बचा सके वसबहल तमन्ना मकान वमसीबाद ही और जो लोग कल ये तमन्ना कर रहे थे कि काश हमें भी इस तरह के दौलत मिले तो वो अगले दिन जब उन्होंने देखा कि उसको उस गर्ग कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि हाय अफसोस अल्लाह ताली जिसका रिस्क चाहता है तंग करता है जिसका चाहता है रिस्क जो है न वो वो कुशादा करता है लऊलामैन लख बिना अगर अल्लाह कामारे ऊपर एहसान न होता तो हमें भी वो ज़मीन में दसा देता वही काफलकाफ़र और हलाकत हो बर्बादी हो अल्लाह ताला काफ़रों को फ़ला नहीं देता तो ये है कि जो मोमिन हैं वो ये समझते हैं कि उनके पास जितना भी हलाल का रिस्क है वही उनके लिए काफ़ी है वो करप्शन नहीं करेंगे वो कॉन के रास्ते पे नहीं चलेंगे और वो जो है ना गरीबों बेवाओं, यतीमों का माल नहीं खाएंगे सूद के ज़रिए से और रिश्वत के ज़रिए से वो माल नहीं बनाएंगे तिलकदारत फ ये आख़रत का घर हमने तैयार कर रखा है उन ममनू के लिए उन लोगों के लिए इरादा नहीं करते ज़मीन में बड़ाई का और फसाद का वा के और ऐसे ही मुतकीन ही के लिए कामयाबी है और असल सक्सेस उनको मिलने वाली है तो ये है इस्लामी तहरीक और जो लोग रिवाइव करना चाहते हैं इस्लाम को माशरे को इस्लाम इस्लाम को माशरे में नाफज करना चाहते हैं उनकी क्वालिटीज़ हैं कि वो ज़मीन में बढ़ाई नहीं चाहते उन्हें मिनिस्ट्रियाँ और बड़े बड़े वो नहीं चाहिए वो ज़मीन में तकबर नहीं करते फसाद नहीं करते वो अगर उन्हें अगर इकतदार मिलेगा भी तो वो ज़क़़त का निज़ाम इस्टैब्लिश करेंगे नमाज का निज़ाम इस्टेब्लिश करेंगे और गरीबों के हकूक पूरे करेंगे हजरत अली रज़ी तरन खलीफा वक्त हैं खिलाफत रास्ता के ज़माने में और एक आधी पिंडली तक उनका तहमद है और हज़रत बबकर जैसा वजीफ़ा उन्होंने रखा हुआ है अपना और अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठा उठा के जा रहे हैं तो उनसे पूछा गया कि अमीरमिन क्या बात है ये तो उन्होंने ये आयत पढ़ी कि तिलकद दारखरत नजअलिनलादिनूबानफिला फ़सादा कि आखरत के घर अल्लाह ने उन लोगों के लिए रखा है कि जो ज़मीन में बढ़ाई और फसाद नहीं चाहते तो आज ऐसे हुक्मरान हमें चाहिए कि जो हजरत अब बकरीक हजरत उम्र फ़ारूक हजरत ओस्मान गनी और हजरत अली रजी तुम अजमायन यानी खिलाफत रास्ता का जो नज़ाम है वह हमें चाहिए और ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कारून और हमान और फ़िराउन के जो करतूत हैं वो हमारी जो सियासी लीडरशिप है दुनिया में वो हर जगह मौजूद है ये कानून सरमादार हर जगह मौजूद है फ़िरौन भी हर जगह हर मुल्क में एक फ़िरौन है और हर जगह हम उनके साथ मौजूद है जो आर्मी है वो लोगों पर सितम कर रही है तो ये है वो नक्शा जो सूरह कसश में वाज कर दिया गया है कि उम्म मुसलमान अगर आगे बढ़ना है और ये जो दुनिया में जुल्म और इस्तेसाल का निजाम है उसकी जगह अदल इंसाफ और फ्रीडम इक्वालिटी और जस्टिस का निज़ाम लाना है कि जो मकसद है इस पूरे दीन का तो उसके लिए क्या उनके उनके लिए क्या रोल मॉडल है और क्या उनके लिए सबक है अल्लाह ताला हमें से सबक हासिल करने की तो अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन